नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संधि करेंगे और ये हमारी हिंदी की क्लास चल रही है और डे टू की ये क्लास है। फर्स्ट वीडियो हमने कर ली है जिसके अंदर हमने तत्सम तद्भव बताए थे। और हाँ दोस्तों, कुछ दोस्तों को ये प्रॉब्लम थी कि आप सर वीडियो लंबी बना रहे हैं, सर 24-25 मिनट की ये वीडियो कोई लंबी होती है, मुझे ये बताइए। कोई लंबी नहीं होती दोस्तों, लंबी तो वो होती है जो आप कम से कम 2-3 घंटा वीडियो देखते हो। आप मुझे एक बात बताइए, आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 3-4 घंटे आपको बैठना पड़ता है दोस्तों। और आप जहाँ से जाना, जैसे आप कोई गांव में या कोई शहर में रहते हो, वहाँ से आप चलकर यहाँ पर कोचिंग सेंटर पर जाते हो तो आपका टाइम ख़राब होता है, उनको फीस देते हो वो ख़राब होती है, यानी पैसे बर्बाद होते हैं। और जहाँ पर आप रहते हो उसका रेंट देते हो, उसका खर्चा होता है, और जैसे खाना पीना होता है उसका भी रेंट देते हो या उसको बनवाते हो, कैसे करते हो, टिफ़िन बनवाते हो, उसका सब देख करके दोस्तों आपका ही नुकसान है। और हम आपको यहाँ पर बैठे आपको कोचिंग दे रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आपको बुराई लगती है तो मैं कहता हूँ वीडियो मत देखिए, आप अभी क्विट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24-25 मिनट की वीडियो कोई लंबी नहीं होती, मत देखिए, नहीं देखनी है तो। और हाँ, आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम संधि करेंगे। संधि के अंदर हम सबसे पहले स्वर संधि करेंगे, जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। संधि की परिभाषा तो आपको पता ही होगी, फिर मैं आपको बता देता हूँ। दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। अगर हम संधि को कराने लग जाएं तो वैसे ये 3-4 घंटे की वैसी वीडियो बन जाएगी जैसे कि हम तत्सम तद्भव की वीडियो में बता रहे थे। हमें 3-4 घंटे की वीडियो नहीं बनानी है, हमें सिर्फ एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको सिर्फ हल करना का हमारा मकसद है, न कि हमारा मकसद कि आपको परिभाषा रटाना, परिभाषा बताना, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा तो मकसद सिर्फ आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सही करना है, बस इतना ही आपका काम होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आजकल एग्ज़ाम ऐसे ही होते हैं टिक मार्क वाले, तो हमें ऐसे ही करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संधि की आपको पता चल गई, संधि की जैसे कुछ स्टूडेंट का मतलब क्वेश्चन रहता है कि संधि और समास में अंतर क्या होता है। संधि के अंदर ध्वनि का मेल होता है, संधि के अंदर किसका मेल होता है? ध्वनि का। और समास के अंदर शब्दों का मेल होता है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों, संधि के अंदर ध्वनि का मेल होता है और समास के अंदर शब्दों का मेल होता है। जैसे दो वर्ण हो गए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है, यानी दो वर्ण कौन से हो गए? जैसे ए प्लस आ, ए प्लस ए, ई प्लस बड़ी लगा लो, चलो आप इस प्रकार जैसे ये वर्ण हो गए, इन वर्णों के मेल से जो भी उत्पन्न विकार होगा उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है? आपको ये समझ में आ गया होगा। और संधि के तीन पार्ट होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि उसे कहते हैं दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर कौन से होते हैं? टोटल 13 स्वर होते हैं, जैसे ए, आ, ई, सॉरी छोटी आई, ई, बड़ी, उ, औ, और री, ए, आई, ओ, और औ, ये हो गए, ठीक है? इसको, इसको और इसको हम लिखते हैं ए बी
सी। इतना आपको समझ में आ गया? चलो मैं आपको साफ लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है जी। दोस्तों अब हम सबसे पहले दीर्घ संधि की बात करें। दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हमने ये 11 स्वर लिख लिए। स्वर होते हैं 13। अंग ए को हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। इसको माना हमने ए, इसको माना हमने बी, इसको माना हमने सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए। याद हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले दीर्घ संधि की बात करें। दीर्घ संधि के अंदर आपको ए प्लस ए, बी प्लस बी जब भी आपको मिल जाए और वो दीर्घ संधि होती है, जैसे ए प्लस ए, बी प्लस बी, जब भी आपको ये मिल जाए, जैसे आपको ए ए बनकर क्या बनेगा आ, ई ई मिलकर क्या बनेगा बडी, ऊ मिलकर क्या बनेगा बडी ई, सॉरी ऊ मिलकर बनाएगा बडाऊ। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं यण संधि की। यण संधि के अंदर आपको बी प्लस ए या सी, इन दोनों में से कोई हो वो यण संधि होंगी। जैसे ई प्लस ए, ये यण संधि होगी। ई प्लस ए यण संधि होगी। ऊ प्लस आ यण संधि होगी। ये आपको समझ में आ गई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद कर लीजिए आप। मैं आपको इसके बाद में ये 500 कराने के बाद में आपको यहाँ पर लिख दूंगा साथ में आप, क्योंकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे या आप जैसे ही आप नोट करें वो कर लेना, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं अयाद्य संधि की। अयाद्य संधि वो संधि होती है जो सी प्लस ए या बी के किसी एक पार्ट में से ऐड हो। जैसे ए प्लस ए, आई प्लस ऊ, जिस प्रकार इसका इन दोनों में से किसी के साथ एक के साथ ऐड हो जाए वो अयाद्य संधि होती है। ए और सी जब भी मिलेंगी वो वृद्धि संधि होंगी। जैसे ए प्लस ए तो बना हमारा ए, आ प्लस ए मिलकर बना ए, और ए प्लस ओ मिलकर बना औ, ए प्लस ओ मिलकर बना औ। इस प्रकार की संधि होगी वृद्धि संधि। अब हम बात कर लेते हैं गुण संधि की। गुण संधि के अंदर आपको फर्स्ट के दोनों पार्ट ए और बी आपको जब भी ऐड करने हो तो वो गुण संधि होगी। जैसे इसको लिख देते बी, चलो मैं लिख देता हूँ। जब भी ए और बी हम ऐड करेंगे तो वो गुण संधि होगी। जैसे ए प्लस ई क्या बन जाएगा, ए और ई मिलकर बनेंगे हमारे ए। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। गुण को हम क्या कहते हैं, गुणा। दो की दो से गुणा करें तो कितना होता है, डबल होता है। तो हम इसकी इसके साथ गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा, और इसकी इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गई हो? अब मैं जो भी ट्रिक है वो लिख देता हूँ सभी संधि के आगे। जैसे दीर्घ संधि की हमारी ट्रिक है ए प्लस ए या बी प्लस बी, और यण संधि की ट्रिक है हमारी बी प्लस ए या सी, और अयाद्य संधि की ट्रिक है सी प्लस ए या बी, और वृद्धि संधि की ट्रिक है हमारी ए प्लस सी। गुण संधि की ट्रिक है ए प्लस बी। बस आपको ये ध्यान रखना है
कैसे ही आप ये ध्यान रख लीजिए और आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो गई। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्वर संधि से ही पूछे जाएंगे दोस्तों, इनसे तो कभी पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। ए आ को ए माना, ई ई ऊ औ री को बी माना, ए ऐ ओ औ को माना हमने सी। और अब हम बात करें कि स्वर संधि के पार्ट कितने होते हैं दोस्तों। स्वर संधि के दोस्तों पांच पार्ट होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। और अब इस संधि का हम प्रयोग देखें, कैसे प्रयोग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि के अंदर आपको सिर्फ जो हम ट्रिक बता रहे हैं उसी से करेंगे हम। ट्रिक है हमारी ए प्लस बी, इनका और इनका वर्णों का मेल होता है ना, जो भी विकार उत्पन्न होता है वो गुण संधि का होता है। जैसे हम लगा लेते हैं ए और ई मिलकर बनता है ए, जैसे सुर प्लस इंद्र क्या बना, सुरेंद्र। आगे समझ में आपको है? और जैसे एक उदाहरण और कर लेते हैं हम, आ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, आ और ओ मिलकर क्या बनता है, ओ। इसका उदाहरण करें तो महा प्लस उदय, महा प्लस उदय क्या हुआ, महोदय। ठीक है, ये बन गया। और ऐसे ही हम जैसे करें आ प्लस री, तो इसका हो जाता है अर। यानी जैसे ए ये ए का पार्ट है, आ ये ए का पार्ट है, आ ये ए का पार्ट है। जब इनका इनके साथ मेल होता है तो वो होती है गुण संधि। ये समझाने का मेरा मकसद है। आपको ये समझ में आ गया, नहीं आया तो हम एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो, मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा हो गया है ना। अब ये बनते कैसे हैं ये जान लेते हैं। ए और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बन जाता है। आ प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनता है। आ प्लस ऊ या ए मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। ए प्लस सॉरी री आएगा, री बनकर क्या मिलता है, अर, अर बन जाता है। ये दोनों मिलकर के इसके साथ या इसके साथ ये हो जाते हैं। यानी आप ऐसे कर लीजिए, गुण को आप ऐसे मान लीजिए, जैसे गुणा गुणा मान लीजिए। ठीक है, जैसे हम दो की दो से गुणा करते हैं तो कितना आता है, चार आता है। तो इसकी इसके साथ करेंगे तो ये ए आ जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और इसकी इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। इनकी इनके साथ ऐड करने पे, इसकी गुणा करने पे ये हो गया, ये हो गया।
मेरे कहने का मतलब है, जब हम ए या आ को ई से जोड़ेंगे तो ए बन जाता है, और ए या आ को ऊ से जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है, और ए या आ को री से जोड़ते हैं तो अर बन जाता है। सिर्फ ये बताने का मकसद है ये कि कैसे आप इसको याद कर लीजिए। ट्रिक से मैंने बताया ए या बी को जब भी हम जैसे ए या आ को ई ई ऊ री को जब भी हम ऐड करेंगे तो वो गुण संधि बन जाती है। बस इतना मेरा कहने का मतलब आप ये समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, यानी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए आपको इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, ठीक है। तो अब हम करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जैसे अपने आप को मिलाकर जो बड़ा हो जाता है वो दीर्घ संधि होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। ए प्लस ए या बी प्लस बी, जब भी ये होना तो वो दीर्घ संधि होती है। जैसे ए प्लस ए, आ प्लस आ, ए प्लस आ, या आ गया जे या ए पीछे आ जाए, ये कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो तो वो दीर्घ संधि होती है। ए और आ मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है। एर ए मिलकर क्या बनेगा? आ बन जाएगा। आर आ मिलकर क्या बनेगा? आ बन जाएगा। एर आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा। जो भी बड़ा बन जाता है, जैसे ई और ई मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ी बन जाती है। ऊर ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा ऊ बन जाता है। कहने का मतलब ये है जो भी हम ए ए और बी या बी को ऐड करेंगे तो वो बड़ा बन जाता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, आप रवि प्लस इंदर, रवि प्लस इंदर, इसके अंदर क्या है? ई है, और इधर भी ई है, तो बनकर क्या बन गया? पढ़ाई बन गया, रविंदर, रविंदर। यहां पर छोटी ई है और यहां पर बड़ी की आ गई, ठीक है। छोटा ई और छोटी ई बनकर क्या हो गया? बड़ी हो गई, ये रविंदर बन, ऐसे बन गया। समझ गए होंगे आप। जब भी दीर्घ संधि आ जाए तो ये ए ए या बी बी, इनमें से किसी का पार्ट हो वो बड़ा बन जाता है। दीर्घ का भी मतलब है बड़ा हो जाना। ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम कर लेते हैं थर्ड संधि की बात, वृद्धि संधि। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। वृद्धि संधि का हमारी ट्रिक है ए प्लस सी। जब भी ए और सी की बात हो तो वृद्धि संधि होती है। जैसे ए और ए या ओ, ये जब मिलेंगे तो बड़ा वाला जो सी का होगा वो बन जाएगा। जैसे हम बात करते हैं ए प्लस ए, तो बन जाएगा ए। बात करते हैं ए प्लस ओ, वो बन जाएगा हमारा औ। बात करते हैं ए प्लस औ की, तो बन जाएगा औ। बात करते हैं आ प्लस ए की, बन जाएगा ए। बात करते हैं ए प्लस ए की, बन जाएगा ए। ये आप समझ गए होंगे ऐसे बनता। अब हम इसकी उदाहरण की बात करें, जैसे एक प्लस एक, इसके अंदर क्या है? ए। आप ये नहीं समझे ना, क के अंदर ए मिला हुआ है दोस्तों, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके अंदर ए और इसके अंदर ए,
और इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और अब हम एक उदाहरण और कर लेते हैं, परम प्लस औसत इसके अंदर क्या है, ए ए प्लस ओ, ये बनकर क्या बना हमारा, ओ बन गया। तो इसका क्या बना हमारा, पूरी संधि क्या बनी, परमोस्त। परमोस्त ये बन गई, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें यण संधि की। यण संधि के अंदर होता है बी प्लस कोई भिन्न स्वर जैसे ए या सी। इसके अंदर जब हम इन दोनों को, इन दोनों में से एक ऐड करते हैं तो वो यण संधि होती है। जैसे ई प्लस ए तो वो बन जाता ये। ई प्लस ये करते हैं, सॉरी ए करते हैं तो वो बन जाता ये। जैसे यद्यपि, ई प्लस ऊ, ई प्लस ऊ बन जाएगा हमारा ये। ऊ प्लस ए बन जाएगा वह। री प्लस आ बन जाएगा रे। जैसे हम उदाहरण करते हैं ई प्लस ऊ का, नदी प्लस अर्पण। बात करें नदी प्लस अर्पण की तो ये बन जाएगा नद्य अर्पण, नद्य अर्पण। ये दोस्तों नद्य अर्पण बन गया। और अब हम बात करें तो ए प्लस सॉरी ऊ प्लस ए की, ऊ प्लस ए की बात करें तो वो बन जाता है व। जैसे अनु प्लस एसन, इसके अंदर ऊ हो गया और इसके अंदर ए हो गया। और ए को जब हम बनाते हैं तो बनेगा अन्वेषण, अन्वेषण बन गया। और हम बात करते हैं री प्लस आ की, वो बन जाता है र, पितृज्ञा, पितरी प्लस आज्ञा, पितरी प्लस आज्ञा, ये बन जाएगा पितृज्ञा। ऐसे बन जाएगा ये, आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी हम इसको इनमें या किसी के साथ, इन दोनों में से किसी के साथ ऐड करें तो वो यण संधि होती है। यण संधि आपको पता लग गई होगी, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जब बी के साथ कोई और वर्ण आ जाए स्वर का, जैसे ए या सी कोई भी आ जाए, वो यण संधि होती है। ये आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट संधि कर लेते हैं। आज की स्वर संधि की लास्ट संधि होगी अयादि संधि। बात कर लेते हैं अयादि संधि की। जब भी सी के साथ ए या बी का कोई भी पार्ट आपको मिल जाए तो वो अयादि संधि होगी। कहने का मतलब है जब आपको ए ऐ ओ औ के साथ आपको इनमें से या इनमें से कोई एक वर्ण आपको मिल जाए तो वो अयादि संधि होती है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो ए प्लस ए आपको मिलकर बन जाएगा ए, ए प्लस ए
बनकर क्या बना? आए। ए प्लस ए बनकर मिला हमारा आए। ओ प्लस ए मिलकर बना हमारा औ। औ प्लस ई मिलकर बना हमारा आओ। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम सी को ए या बी के साथ ऐड करते हैं तो ए आदि संधि होती है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे दोस्तों, प्रत्येक जो मैंने संधि बताई थी उनको उदाहरण से देखेंगे। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि वो होती है जो अपने आप से, अपने आप वाले, या ए प्लस ए बी प्लस बी, हमने सूत्र ये बताया था आपको, जब अपने आप के ही कोड से वो मिलकर के बनेंगे तो वो बड़े वाला बन जाएगा। जैसे ए प्लस ए आ बन गया, जैसे इसका उदाहरण है देव प्लस अधिपति, क्या बन गया आ, देवा। देव प्लस आ, ए प्लस आ मिलकर बना देवा, देवाधिपति बन गया। और अब हम बात कर लेते हैं आ प्लस ए आ, ए प्लस आ आ, ये हिम प्लस आले, ए प्लस आ मिलकर बने आ, आ प्लस ए मिलकर बना आ, युवा वस्ता। जैसे बात करें ई प्लस ई की तो बड़ी ई बन गई कवि कवीस, इस तरफ छोटी की मात्रा है, इधर जाके बड़ी की हो गई। और हम बात करें बड़ी बड़ी मिलकर बने ई, कहने का मतलब ये है जब भी ए प्लस ए बी प्लस बी, जब भी दोनों एक जैसे पार्ट ये मिलकर के बनेंगे तो वो बड़े वाला बन जाएगा, ठीक है, यण संधि। उससे पहले दीर्घ संधि का एक उदाहरण और कर लेते हैं, री प्लस री, ये री बन गया, पितरी प्लस ऋण पितृण, ये मैंने आपको करा भी दिया था। और अब हम करते हैं यण संधि। यण संधि कौन सी होती है? बी के साथ प्लस में ए या सी ऐड हो वो यण संधि होती है। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे हमारे पास ये उदाहरण है ई प्लस ए मिलकर बनेगा ये, ई बड़ा ई प्लस ए मिलकर बनेगा ये, ई आ मिलकर बनेगा या, अत्या। ई प्लस आ मिलकर बनेगा या, ई प्लस ओ मिलकर बनेगा यू, ई प्लस ओ मिलकर बनेगा यू, ई प्लस ओ मिलकर बनेगा यू, बड़ा ओ की है ये छोटा ओ की मात्रा है, ठीक। आप ये समझ लेना, छोटा ओ प्लस ए मिलकर बनेगा वह, ओ प्लस ए मिलकर बनेगा वह, ओ प्लस आ मिलकर बनेगा वा, ओ प्लस आ मिलकर बनेगा वा, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन, वधुआगमन बन गए। जैसे उ, इसके अंदर उ बड़ा उ की मात्रा होगी, इसके अंदर आ हो गया तो क्या बना वा, ये वधवा गमन बन गया, ठीक है। जैसे हम री और ए की ऐड करेंगे तो रे बन जाएगा, मातृ प्लस अर्थ, इसके अंदर री है इसके अंदर ए, ये देखिए रे बन गया। और री और आ को मिलकर बनाएंगे तो हमारा रा बन जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा पितृज्ञा बन गया। जैसे यण संधि का हमने क्या उदाहरण बताया था, बी प्लस ए या सी, इन दोनों पार्ट में से कोई एक होना चाहिए ए या सी में से, ये हमारा बी पार्ट है सभी, और इधर वाले पार्ट ए या सी के हैं। आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट संधि की, जो कि ए आदि संधि है। ए आदि संधि का मैंने आपको क्या उदाहरण बताया था, सी प्लस ए या बी, सी प्लस
ए या बी इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो ये हमारे पास सी है या ए या बी है, ये ऐसे है। ए प्लस एम मिलकर बना आए, ने प्लस एन, इसके अंदर ए की मात्रा है और इसके आगे क्या है ए, तो ये बन गया ए, ए मतलब ये नयन। ये यहां पर भी दिया हुआ है, ए से ए हो जाता है, ए से आए हो जाता है, ओ से आओ हो जाता है, ओ से आओ हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओ से उ सॉरी ओ से एम मिलकर बने आओ, भो प्लस अन भवन बन गया, ये औ बन गया यानी भवन बन गया। ओ प्लस ए बन गया आओ, पो प्लस अक पावक। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि का हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी, ए प्लस सी। जब भी हम ए को सी से ऐड करेंगे तो वो वृद्धि संधि कहलाएगी। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये दोस्तों इसके कुछ उदाहरण है, ए प्लस ए मिलकर बनेगा ए बढ़ाए, आ प्लस ए बढ़ाए, आ प्लस ए ए, ए प्लस ए ए, ए प्लस ओ औ, ए प्लस ओ औ सॉरी ए प्लस औ औ मिलकर औ ही बनेगा, आ प्लस ओ औ मिल आ प्लस ओ औ। जैसे परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर्य, तथा प्लस एव तथेव, जिसके अंदर आ भी है ये इसके अंदर आ की मात्रा होगी और ए भी है, तो ये बनकर मिले हमारा ऐ। जैसे हम एक उदाहरण को लेते हैं, एक प्लस एक, ये नहीं दोस्तों, एक प्लस एक बना हमारा एक 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 एक, इसके अंदर आपको ए और ए ए मिलकर बना हमारा ऐ, तो ये बन गया एक एक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुण संधि की। ये आपको समझ में आ गया है या आप इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुण संधि का मैंने आपको क्या उदाहरण बताया था, यानी क्या ट्रिक बताई थी, ट्रिक बताई थी ए प्लस बी। गुण का क्या बताया, गुणा करना, जो मैंने आपको बताया था। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ए को ई से ऐड करें तो ए बनेगा, आ को ई से ए को ई से ए, आ को ई से ए बन जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, इसके अंदर ए है मैं प्लस ए, ऐसे है ये दोस्तों, इसके अंदर ए ऐड है छिपा हुआ है और ई ए और ई मिलकर बनेगा हमारा ए, तो परमेश्वर बन गया। जैसे बात कर लेते हैं हम आ और ऊ की, तो ओ बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऊ और री मिलकर बने अर, जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि बन गया, अर बन गया, ठीक है। आ प्लस री मिलकर बनेगा अर, राजा प्लस ऋषि राजर्षि,